IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन को एक अलग नेम से भी हम बोल सकते हैं, फ्लूइड मशीनरी। ओके, तो इसका नाम हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, ये सब्जेक्ट भी IAS, GATE, PSU या फिर SSC, JN, जो भी आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स दोगे उसमें हर एक सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो भी हम कवर करेंगे सब्जेक्ट्स वो रहेगी हम जो सॉरी सब्जेक्ट नहीं जो भी हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, जो भी चैप्टर्स कवर करेंगे, कंप्लीट जो सिलेबस कवर करेंगे वो सारे इन चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, किस तरीके से फ्लूइड बिहेव करता है। सेकेंड रहेगा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, कि फ्लूइड है तो फ्लूइड का प्रेशर किस तरीके से लगेगा, एटमॉस्फेयर में किस तरीके से लगेगा, वैक्यूम में है तो कहाँ पर लगेगा, एंड उसके मेजरमेंट के कौन कौन से इक्विपमेंट वगैरह हैं, डिटेल्स इनकी स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप ओवरव्यू ले लो इसका क्या है। थर्ड है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एंड देन फोर्थ इज फ्लूइड डायनेमिक्स, फिफ्थ इज डायमेंशनल एनालिसिस, सिक्स्थ इज पाइप फ्लो, सेवन्थ इज लेमिनार फ्लो, एट्थ इज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इन 8 चैप्टर के अंदर हम फ्लूइड मैकेनिक्स को कवर करेंगे। देन उसके बाद में चलेगी फ्लूइड मशीनरी या फिर हाइड्रोलिक मशीन्स, उसका पहले बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन टर्बाइंस एंड देन पंप्स। टर्बाइंस क्या होते हैं, अभी अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ टर्बाइंस इज वॉट, टर्बाइंस अगर इसको बोले तो वॉट वर्क इज डन बाय द वॉटर। ओके, वर्क इज डन बाय द वॉटर इज टर्बाइंस, एंड वर्क इज डन ऑन द वॉटर इज पंप्स। बाय द वॉटर मतलब अगर आपके पास कोई मशीन है, ठीक है, ये अगर आपके पास कोई मशीन है, अगर आपका इस मशीन के ऊपर वॉटर की हेल्प से कुछ काम हो रहा है इसके ऊपर, जैसे मान लो ये आपकी मशीन है, ठीक है, यहाँ से कुछ फ्लूइड आया, ठीक है, फ्लूइड आकर के इस पंप को, ये इस तरीके से कोई आपकी मशीन है, ओके, यहाँ से वाटर आया और इस वाटर के कारण आपकी ये जो मशीन है वो घूमने लग गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, वाटर आता है टरबाइन के ऊपर एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर काम किसके हेल्प से हो रहा है, वाटर के हेल्प से काम किसके द्वारा हो रहा है, वाटर के द्वारा। तो वर्क इज डन बाय द वाटर इज नोन एज टर्बाइंस, एंड वर्क इज डन ऑन द वाटर। अब जैसे मान लो ये आपका कुछ वाटर है, ठीक है, आपने इसको पंप करके इसका प्रेशर बढ़ा करके वाटर को आगे भेज दिया। अब आपने क्या किया, आपने काम किया वाटर के ऊपर, इसको पंप किया वाटर को आगे भेजने के लिए, तो ये ऑन द वाटर काम हो रहा है और ये बाय द वाटर हो रहा है। ठीक है, बेसिक समझ आ गया होगा टर्बाइन्स एंड पंप्स क्या होते हैं, डिटेल्स इनकी स्टडी करेंगे जब आगे फ्लूइड मशीनरी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप देख लो कि वर्क इज डन बाय द वाटर इज टर्बाइन एंड वर्क इज डन ऑन द वाटर इज पंप्स। ठीक है, सबसे पहले तो आप दिमाग में से ये बात निकाल दो कि फ्लूइड को वाटर बोलते हैं, फ्लूइड को वाटर नहीं बोलते, वाटर को जरूर फ्लूइड बोल लेते हैं। अगर फ्लूइड की अगर आप एक अलग से डेफिनेशन देखना चाहो तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या हो सकती है, अगर आप बोलो तो सब्सटेंस इन लिक्विड एंड गैसेज फेज इज रेफर टू अ फ्लूइड, दे आर केपेबल और डिफॉर्मिंग कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेयर स्ट्रेस, हाउ एवर स्मॉल द शेयर स्ट्रेस माइट बी। ठीक है, गैसेज में या लिक्विड में जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, वाटर को फ्लूइड कभी नहीं बोलते, फ्लूइड आते हैं हमारे माइंड में क्या बात आती है सीधे कि वाटर को, वाटर को हम फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन वाटर को फ्लूइड नहीं बोलते हैं। सब्सटेंस प्रेजेंटेड इन द लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस उसमें जो प्रेजेंट होता है सब्सटेंस उनको बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, उसमें क्या है, थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते ही उनमें क्या है डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखो इसकी बेसिक कुछ चीज़ें देख लो, अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक है, कुछ बेसिक समझ लो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के रिलेटेड कुछ बेसिक है, फिर हमारे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद चलेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लंबा है, आपको पता भी है, IAS, GATE, PSU सबकी स्टडी करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगर आप ये जो PDF जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ अगर आपको ये लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना।
ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। यहाँ से आपको मेड ईजी आईएएस मास्टर ठीक है एसएससी जेएन के लिए स्पेशल सिलेबस बहुत ही अच्छा जो सिलेबस है नोट्स है एसएससी जेएन के लिए अलग से, अगर आपको कोई से भी चाहिए तो आप यहाँ से ले लेना। फिर आप चाहे तो फ़ोन में जो पीडीएफ रहेगी फ़ोन में पढ़ लो, या फिर आप इनकी जेरोक्स निकलवा लेना हार्ड कॉपी बन जाएगी आपकी ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे 7737849238 ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर कॉन्टेक्ट कर लेना। अगर आपको और कहीं से मिलती है तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स ठीक है। इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे पास ओके, इनके अलग अलग स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल वे में अभी समझना चाहो तो फ्लूइड स्टैटिक्स इज़ व्हाट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन द रेस्ट कंडीशन। आपका कोई कुछ भी है ठीक है, ये कोई आपका बकेट है, इसमें आपने वाटर भर रखा है ठीक है, यहाँ तक कुछ वाटर भरा हुआ है इसमें ओके, इस वाटर की स्टडी करोगे अगर आप। अब ये क्या है, ये वाटर ना तो यहाँ से निकल रहा है, ये बिल्कुल आप पैक है यहाँ से ठीक है, कहीं पर भी इसमें कोई वॉइड्स नहीं है कि यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। आपका फ्लूइड इसमें क्या है, स्टैटिक कंडीशन में। अगर आप इस कंडीशन में आप इस फ्लूइड की स्टडी करोगे, किसी भी चीज़ की स्टडी, इसकी प्रॉपर्टी, इसका प्रेशर, कुछ भी मेजरमेंट करोगे, तो वो किसके अंदर आएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर ठीक है। क्योंकि इसकी कंडीशन देखो यहाँ लिख रखा है ना, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज़ इन द रेस्ट कंडीशन, तो ये हो गया स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक्स ठीक है। सेकंड बात आती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, व्हाट इज़ फ्लूइड काइनेमेटिक्स, वही रहेगा स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड। अब यहाँ पर देखो काइनेमेटिक्स की बात आ गई, तो हम क्या है वाटर के मोशन की स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। अब जैसे मान लो आपका ये यहाँ पर इस तरीके से वही है ठीक है, ये बकेट है, यहाँ पर आपने वाटर भर रखा है यहाँ पर ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है और यहाँ से कुछ वाटर निकल रहा है बाहर ओके। अब इस अब यहाँ से वाटर धीरे धीरे कम रहे होगा ठीक है, यहाँ से अगर वाटर बाहर आएगा तो यहाँ से वाटर धीरे धीरे कम होगा, डिक्रीज होती जाएगी इसकी डेप्थ ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप इस फ्लूइड की स्टडी करोगे तो वो आता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो भी कारण है उसका, कि किस कारण से आपका फ्लूइड की यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट किस कारण से हो रहा है, ये कंसिडर नहीं करते हैं हम ओके। और अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि ये किस कारण से डिक्रीज हो रहा है ठीक है, क्या कंडीशन है, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में अगर हम इस फ्लूइड की स्टडी करेंगे तो वो आ जाती है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एंड स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनेमिक्स। आपको ये पता ही होगा डीएस क्या है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस का आप डिफरेंसेस करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का डिफरेंसिएशन कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, वो देता है हमें एक्सेलरेशन ठीक है। ये ध्यान रखना, सीधे सीधे याद रखना। आपने अगर आईआईटी की तैयारी करी होगी 12th, 11th, 12th में, तो वहाँ पर फिजिक्स में आए थे ये ठीक है, अगर आप जानते भी होंगे। और अगर हम थीटा की किसी एंगल की टाइम के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दे थीटा को ठीक है, स्मॉल चीज़ें की बात हो रही है, डी मतलब स्मॉल चीज़ की बात हो रही है, तो वो देता है हमें एंगुलर वेलोसिटी ओके। बेसिक है, अभी कोई घबराने की बात नहीं है, बाकी तो आगे चलेंगे। और अगर हम व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द कारण ऑफ द फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या करते हैं, हम जो मोशन का कोज है ठीक है, किस कारण से हमारा जो मोशन है वो हो रहा है उसको कंसिडर करेंगे, तो ये एफ एक्शन डी एफ ऑन डी टी एम ए मास इंटू वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, कोई काम का नहीं है, फालतू है ठीक है। फ्लूइड मैंने आपको बता ही दिया, वाटर को कभी फ्लूइड मत समझना कि वाटर ही फ्लूइड होता है, वाटर फ्लूइड नहीं होता है, जो सब्सटेंस रहते हैं उसमें, वाटर में हो या फिर गैसेज में हो ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लूइड। डेफिनेशन यहाँ पर देख लो अच्छे तरीके से और कुछ समझने की कोशिश करना। द सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली डिफॉर्म अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। आपका यहाँ पर ये वाटर है ठीक है, मान लेते हैं ये वाटर है यहाँ पर ओके। आपने क्या किया, हाथ से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट कर दिया हाथ, इसके ऊपर आपने हाथ इस तरीके से लगा दिया बिल्कुल हल्के से, तो आपके इसमें क्या होगा, थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाएगा सब्सटेंस वगैरह में ठीक है। तो ये डिफॉर्मेशन हो गया, तो जब भी आपके फ्लूइड में इस तरीके से डिफॉर्मेशन हो जाए, चाहे आप कितना ही स्मॉल से स्मॉल इसके ऊपर फोर्स लगाओ ठीक है, कितना ही छोटा फोर्स लगाओ इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो होता है सब्सटेंस
ठीक है। अगर दूसरी लैंग्वेज में इनको बोलना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं, फ्लूड्स आर द सब्सटेंस विच कैनॉट रजिस्ट डिफॉर्मेशन और कैनॉट सस्टेन शियर स्ट्रेस एट रेस्ट एंड रेस्ट। ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर मतलब आप थोड़ा सा भी कुछ शियर स्ट्रेस अप्लाई करोगे, मतलब फ्लूड सीधे सीधे आप समझ लो कि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा भी कुछ भी स्ट्रेस लगाया इसके ऊपर, ठीक है, कुछ भी फोर्स लगा तो यहाँ से डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट कंडीशन में ये कभी भी नहीं रह सकता, ठीक है। आप इसको रेस्ट कंडीशन में जब रख सकते हो जब आप इसको किसी बकेट में पटक दोगे, यहाँ से बकेट को आपने थोड़ा सा तोड़ा तो वाटर यहाँ से निकल के बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो भी चीज़ें रहेंगी उनको बोलते हैं फ्लूड, ठीक है, वाटर को ही फ्लूड नहीं बोलते हैं कभी भी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिफरेंट मैटर होता है, जो मैटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गए, तीनों टाइप है, अलग अलग टाइप से मैटर हमें मिल सकते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या होता है पहले बात करते हैं, सॉलिड वो चीज़ें होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ी यूज आएगी यहाँ पर। सॉलिड्स डिफॉर्म परमानेंटली ओनली वेन द अप्लाइड लोड इज मोर देन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक अगर हम किसी सॉलिड में लोड लगाते हैं तो क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर लोड लगाएंगे तो हम लोड को वापस से हटाएंगे उसके ऊपर से, तो क्या होगा, वो उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इलास्टिक कंडीशन जो उसकी इलास्टिक लिमिट है उससे ज़्यादा जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, उसकी प्लास्टिसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आएगा, तो वो तो होते हैं हमारे पास सॉलिड्स, ठीक है। जैसे सॉलिड है, ठीक है, इसके ऊपर आपने कुछ फोर्स लगाया थोड़ा सा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो ये थोड़ा सा यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा एंड देन वापस आप इसके ऊपर से फोर्स हटाओगे वापस ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन आप इसके ऊपर जोर लगा के इतना जोर लगा दिए कि ये आपने इसको ज़्यादा डिफॉर्म कर दिया इसकी इलास्टिक लिमिट से, ठीक है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा डिफॉर्म कर दिया, तो फिर ये इसकी एक्चुअल कंडीशन में वापस नहीं आएगा, दैट इज नोन एज सॉलिड्स। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू सॉलिड रीगेन देयर ओरिजिनल पोजिशन वेन द अप्लाइड लोड इज रिमूव्ड एंड इट इज़ लेस देन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, ठीक है, अभी बताया वही पॉइंट बोल रहा है। नेक्स्ट बात आती है लिक्विड की, लिक्विड क्या होता है, डिफॉर्म परमानेंटली नो मैटर हाउ स्मॉल इज द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स। लिक्विड क्या होता है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा लगाया, कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना छोटा सा लगा रहे हो, बिल्कुल छोटा सा, आप जितना छोटा फोर्स समझ सकते हो उतना सा इसके ऊपर कुछ टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो ये आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, वो होता है लिक्विड, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा सॉलिड के जैसे, इसमें क्या लिक्विड के ऊपर तो थोड़ा सा कुछ लगाया और डिफॉर्म हो जाता है, आपने देखा भी होगा पानी को, थोड़ा सा आपने कुछ उसके ऊपर फोर्स लगाया डिफॉर्म हो जाएगा, गिलास में पानी भर रखा है किसी फिर किसी कप में डाल दिया तो कप के जैसा शेप हो जाएगा, ठीक है, किसी अलग बकेट में डाल दिया वहाँ अगर आप नीचे गिरा दोगे तो पानी फैल जाएगा। सॉलिड ऐसा थोड़ी करता है, सॉलिड को आप कहीं पटक दो उसका शेप ऐसा ही रहता है जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा तक, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये तो आपको समझ आ गया होगा, लिक्विड एंड गैस दोनों ही फ्लूड होते हैं, सॉलिड कभी भी फ्लूड नहीं होता है, ध्यान रखना, सॉलिड इज नॉट अ फ्लूड बट लिक्विड एंड गैस आर द फ्लूड्स। ये ऐसे देखा गया बकेट में अगर आपका पानी भरा हुआ है तो ऊपर का जो सरफेस, यहाँ तक तो पानी भरा हुआ है यहाँ का तो जो एटमोसफेयर है वो अलग हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का जो एटमोसफेयर है वो कौन सा रहेगा, जो बाहर का एनवायरमेंट है, फ्री सरफेस बोलते हैं उसको। अब देखो इसकी स्टडी करेंगे, अगर हम फ्लूड की स्टडी करेंगे तो हमारे पास दो मेथड है फ्लूड की स्टडी करने के, मेथड कौन कौन से, एक तो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है, और एक है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है, ये बेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बेस्ट होता है हमेशा इसके मुकाबले। क्यों होता है ये बेस्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लूंगा मैं बाद में, अभी आप थोड़ा सा समझ लो इसको क्या है। पहली बात तो क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के रिलेटेड देख रहे हैं फ्लूड की स्टडी करने के लिए, ठीक है, इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे अगर हर चीज़ की तो किस तरीके। पहले तो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे छोटे 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 लिक्विड है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पाँच मॉलिक्यूल है, आपके गिलास में वाटर भर रखा है आपने उसमें पाँच मॉलिक्यूल है, ऐसा तो है नहीं सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पार्टिकल, ये क्या करता है, हर एक पार्टिकल के जितने भी इसमें मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स रहेंगे हर एक पार्टिकल की डिटेल से स्टडी करके ये हमें बताता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। लेकिन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में ऐसा नहीं होता है, इसको अलग नाम से भी देखते हैं, क्लासिकल या फिर एवरेज अप्रोच भी इसको बोल देते हैं। पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की, पहला पॉइंट क्या समझ में आया इसमें कि हर एक ईच एंड एवरी पार्टिकल की डिटेल से स्टडी करते हैं,
दूसरा है वेरी वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, और ये क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, हर एक पार्टिकल की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल बताएगा आपको, ठीक है। यूज है, बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। हाई टाइम कंजम्पशन, अगर आप हर एक पार्टिकल की डिटेल से स्टडी निकालने बैठोगे तो हाई टाइम कंजम्पशन तो होगा ही, हर एक पार्टिकल की स्टडी करोगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा। इस पार्टिकल की स्टडी करोगे यानी दूसरे पार्टिकल की, तीसरे पार्टिकल की, तीसरे पार्टिकल, चौथे पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी करोगे तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, इसलिए ये हाई टाइम कंजम्पशन होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट अ डिस्टेंस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल सो दैट द फ्लूइड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मास। इसमें क्या होता है, आपके जो पार्टिकल्स हैं जो थोड़े डिस्टेंस पर रहते हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे तो क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल के बीच का स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। इतना ज़्यादा भी नहीं रहता कि हमें दिखेगा, लेकिन ज़्यादा रहता है, तो वो क्या कहते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं मास एज ए मास ऑफ कॉन्टिन्यू मीडियम, कॉन्टीन्यूस मीडियम या फिर कॉन्टिनम भी बोल देते हैं। अभी बताऊंगा कॉन्टिनम क्या होता है, आगे है उसका जो टॉपिक है, लेकिन अभी इतना समझो आप, उसको हम मतलब मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम में कंसिडर नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूस मीडियम क्या है, कॉन्टिन्यूस मीडियम मतलब आपका हर एक पार्टिकल इतना पास पास में है कि पता भी नहीं चलता है कि कौन सा मीडियम कहाँ स्टार्ट है। लेकिन अगर आपके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो ऑब्वियस बात है बीच में तो मीडियम अलग हो गया ना, इसलिए हम एक ही कंटिन्यूस मीडियम को कंसिडर नहीं कर सकते हैं जब हमारा पार्टिकल्स दूर दूर है। अगर पार्टिकल्स पास पास में तो हम उसको मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या होता है, इसमें हम एक एक पार्टिकल की स्टडी ना करके एक एरिया लेते हैं, ठीक है, कि इस एरिया की हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें कितने भी पार्टिकल्स आ गए हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में तो क्या करते हैं कि एक एरिया कंसिडर करते हैं, उस एरिया में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उसकी स्टडी करेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या करते हैं कि एरिया कंसिडर ना करके एक एक पार्टिकल की, ईच एंड एवरी पार्टिकल की डिटेल से स्टडी करते हैं, इसलिए ये लंबा प्रोसेस रहता है, ठीक है। एक्यूरेट भी रहता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि इसमें एरिया कंसिडर करके चलते हैं, इसमें कोई पार्टिकल आते हैं कोई पार्टिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया, कंटिन्यू। एक इंपॉर्टेंट नोट है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के रिलेटेड, क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज नॉट वैलिड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबोव लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक जोन। अगर आपको एटमॉस्फेरिक जोन में कोई लेयर है उसके अबोव कुछ स्टडी करेंगे तो उसमें हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज नहीं करते, उसमें ये नाम में थोड़ा चेंज हो रहा है। देखो एक तो है मैक्रो, ठीक है, एक तो मैक्रो है और एक है माइक्रो, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, एक मैक्रो है माइक्रो, मेरे साथ बोलने में कुछ गलती हो रही है तो कोई नहीं, ये माइक्रो है ये मैक्रो। अगर आपको एटमॉस्फेयर की अपर लेयर की स्टडी करनी है तो इसको हम प्रीफर नहीं करते हैं, यही प्रीफर करते हैं, ये नोट बोल रहा है, अलग से पॉइंट है, इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव उसमें पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अभी मैंने बताया था अब फ्लूइड ऑफ कॉन्टिनम, अभी आपको बताया कि उसको अगर आपके पार्टिकल दूर दूर है तो मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम में कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम या फ्लूइड एज कॉन्टिन्यूस मीडियम होता क्या है। देखो अब फ्लूइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम, कोई भी फ्लूइड है उसको मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम में हम कंसिडर कर सकते हैं व्हेन, जब द इंटरमोलिक्यूल और या फिर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द करेक्टरिस्टिक डायमेंशन। वही बात है, अगर आपके मॉलिक्यूल्स, हम इसको मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम में कंसिडर क्यों नहीं करते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, लेकिन अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम में कब कंसिडर कर सकते हो, क्या कंडीशन है, बस इसकी एक कंडीशन ये है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। जितने डिस्टेंस कम रहेगी उतने ही मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम रहेगा, ठीक है। ये एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, पार्टिकल इतने पास पास है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर कुछ पता लग रहा है क्या, और देखो एक आपको ये दिखाऊं मैं, ये वाले, इन दोनों में देखो इसको मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम बोल सकते हैं, इसके पार्टिकल बहुत पास पास है, इसमें पार्टिकल दूर दूर है तो मास ऑफ कॉन्टिन्यूस मीडियम नहीं बोल सकते क्योंकि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में इसका मीडियम चेंज हो गया है, ठीक है। बेसिक इतना ही है, बाकी बेसिक और साथ में डिटेल स्टडी चलती रहेगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसके रिलेटेड वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ में। यूनिट नंबर फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर सेकंड चलेगी प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, बाकी चलते रहेंगे अभी जो आप स्टार्टिंग में मैंने आपको जारी सब्जेक्ट बताई थी वो सारी चलेगी। पहले फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करेंगे एंड देन क्या स्टार्ट करेंगे, फ्लूइड मशीनरी, ठीक है। नोट्स लेने हैं तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर बताए रखे हैं, एक बार वो वापस बता देता हूँ, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप PDF परचेज कर सकते हो।
जो भी IAS मास्टर गे IAS मास्टर गेट के लिए, IAS PSU MedEG ठीक है, SSC JN के लिए स्पेशल नोट्स है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको अगर ये देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आप वीडियो में मत ढूंढते रहना कहाँ कौन से वीडियो चल रहे, कभी सोइल कभी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आप प्लेलिस्ट में जाना ठीक है। प्लेलिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की, तो उस प्लेलिस्ट जिस भी सब्जेक्ट स्टडी करनी है उस प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आपको मिल जाएगा ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी तो नॉर्मल है, क्या समझने की बात थी इसमें, बाकी आगे चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ, अच्छे तरीके से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ठीक है, उस पर कमांड अच्छी होती है ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।